विश्व शौचालय दिवस लोगों को शौचालय स्वच्छता निजता के लिए जागरूक करने के लिए मकसद से हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस का उद्देश्य आदर्श स्वच्छता की आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। देश भर में नगर इकाइयों द्वारा शौचालयों को सजा सवा कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। वहीं इस विशेष दिवस पर कोशिकला नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 20 से करीब 2 महापूर बनाए गए आधा दर्जन शौचालयों की हालत दयनीय बनी हुई है, जिनमें सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। कुछ शौचालय तो बंद पड़े हुए हैं तो कुछ शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो जब से सभी शौचालय आम जनमानस की सुविधाओं के लिए बनाए गए तब से आज तक नगर पालिका का कोई कर्मचारी देख रेख करने नहीं आया। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को कैसे सार्थक किया जा सकता है? कोसीकला कस्बे के लोग शौचालयों में सुविधा न होने के कारण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। यह कहना चाह रहा हूं मैं कि आज विश्व शौचालय दिवस है और विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य में देखो कितनी गंदगी चारों तरफ। ये तो हमारे जो गोमती में या और पास के ना कि हमारे सब बच्चों ने मिल के सफाई की है। शौचालय का हालत आप देख लीजिए, समथिंग 2.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब और क्या बताऊँ, बताओ। तो आज तक देखो तो आज तक मतलब कभी कोई सफाई वगैरह नहीं हुई, कभी कोई नहीं आता है इसमें। जब फिर उसके बाद में उसके बावजूद हमने इसमें ढांकन लगाए, जब कोई सफाई के लिए नहीं आएगा तो बताओ फिर गंदगी फैलती है। बिल्कुल, पेड़ पौधे लगे हुए अंदर, उसमें गंदगी जा रही है, पेशाब का पानी जा रहा है। बिल्कुल, स्थिति बहुत गंदी है, बहुत गंदगी रहती है, कोई सफाई करने नहीं आता है और सफाई नहीं करने की वजह से यहाँ कोई वो भी नहीं करता बाथरूम वगैरह। कब बना था ये करीब? इसी योजना में बना है, इस योजना में। और तब से आज तक ये मतलब चालू नहीं हुआ, क्या हुआ? चालू क्या हुआ है का तुम्हारे क्या नाम, सफाई तो होती नहीं है तो लोग वहाँ है इसलिए जाते नहीं है। कभी सफाई नहीं हुई। एक बार ईओ साहब भी आए थे यहाँ, जब एका देख गए थे, जब इनको लताड़ा था, उसके बाद एका एक दो दिन आए, उसके बाद फिर ऐसे ही पड़ा है।